नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 5, जिसमें आज दोस्तों हम राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, भारतीय संविधान में हम भाग 4 तक कम्प्लीट आपको करा चुके हैं और प्लेलिस्ट दोस्तों आपके लिए बनाई गई है, और जितने भी अभी तक लेक्चर आए हैं इंडियन पॉलिटी के, सभी लेक्चर क्रम वाइज वहां पे डाले गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, भाग 5 जिसमें आता है संघ, और संघ में संसद आता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में ये सारे जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो भाग 5 में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो विशेष तौर पर हम राष्ट्रपति के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको संसद के बारे में मैं आपको समझा दूं, और साथ साथ जो सरकार के 3 अंग होते हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, ये आपको पहले समझना है। देखो, संसद ये इसके 3 अंग होते हैं, ये 3 को मिलकर बना होता है। संसद का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में। संसद जो कि 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही साथ राष्ट्रपति, इन 3 को मिलकर बनता है संसद। आपने देखा होगा कोई भी जब विधेयक आता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा में जब पूर्ण बहुमत से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, बहुमत से जब वो पारित हो जाता है तो फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही वो क्या बन जाता है, कानून बन पाता है। तो यानी जो संसद के ये 3 प्रमुख अंग हैं, संसद जो मिलकर बना होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे संसद के बारे में आपने समझ लिया। अभी हम जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम राष्ट्रपति के बारे में आज चर्चा करेंगे, और मुख्य रूप से हम आज अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको सरकार के जो 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग, इनके बारे में आपको समझा देता हूं। देखो, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। एक होता है विधायकी। इन 3 में अंतर क्या होता है इसको समझिए। एक होता है विधायकी, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब देखो, विधायकी का क्या काम है, तो विधायकी का जो काम है वो देश के लिए कानून बनाती है। इसका काम क्या है, कानून बनाना। विधायकी में कौन आते हैं, जैसे संसद में अगर हम संघ की बात करें, अगर हम केंद्र की बात करें या संघ की बात करें, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या आ गए, विधायकी आ गए। जो भी कानून लाया जाता है, जो भी बनाया जाता है कानून, वो यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। तो विधायकी के द्वारा कानून बनाया जाता है, या जो इसमें अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में विधान परिषद और विधानसभा, ये किस में आ गए, विधायकी में आ गए। कार्यपालिका, कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। अब देखो, कार्यपालिका का जो कार्य है वो क्या है, कि जो विधायिका ने कानून बनाया है उस कानून को लागू करना। तो कानून बनाने का कार्य है विधायकी का, और कानून लागू करने का कार्य किसका है, वो है कार्यपालिका का। कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन औपचारिक रूप से, जबकि वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद के पास है, जिसका मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। तो यानी जो कार्यपालिका की औपचारिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, और वास्तविक शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। ये औपचारिक क्या है, वास्तविक क्या है, इसको अभी आप आगे समझोगे जब मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। तो कार्यपालिका का क्या कार्य है, कानून को लागू कराना। उसके बाद आती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करती है, कि जो कानून लागू कर दिया गया है कार्यपालिका के द्वारा, उसकी न्यायिक समीक्षा करती है। अगर उस कानून के साथ किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसी का हनन किया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून की समीक्षा करती है, ये कितना सही है और ये कितना गलत है।
तो सरकार के तीनों अंग मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। विधायिका जो कानून लाती है यानी कानून बनाती है, कार्यपालिका जो क्या करती है कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका उस कानून की क्या करती है समीक्षा करती है। तो संसद के बारे में और सरकार के इन तीनों अंगों के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आज हम यहाँ पे संसद जो कि मिलकर बनी है लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से। लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, और राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में। और राष्ट्रपति के संबंध में जो और अनुच्छेद उसके आगे हैं उनको हम फिर आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। आज हम राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले समझो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में जो अनुच्छेद आते हैं 52 से लेकर 62 तक आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 में उल्लेख मिलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो सदैव पद पर विद्यमान होगा। भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा और हमेशा क्या रहेगा, पद पर विद्यमान रहेगा। अब ये राष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया है, तो ये पद लिया गया है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से किस में निहित है, वह राष्ट्रपति में। अब आपको समझ में आ जाएगा यहां पे कि औपचारिक क्या है और वास्तविक क्या है। देखो आपने देखोगा कोई भी क्या बनता है, कानून बनता है, कानून बनाने का कार्य, उसको लागू करने का कार्य, वो सब मुख्य रूप से कौन देखती है, सरकार देखती है। राष्ट्रपति का काम क्या है, उस पर हस्ताक्षर करना। या आपने देखो कोई भी विदेशी मामले, जो प्रधानमंत्री होता है सारे कार्य मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, यानी वास्तविक रूप से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसमें निहित है, प्रधानमंत्री के पास। विदेश दौरे आपने देखोगे अधिकतम प्रधानमंत्री करते हैं, तो कोई भी जो मोस्टली जो कार्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन किसके नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर, क्योंकि अंत में जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे भारत में जो औपचारिक रूप से जो कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति के पास है, केवल औपचारिक का मतलब ये है कि औपचारिकता को निभाने की उसमें राष्ट्रपति के दस्तखत कराने हैं या राष्ट्रपति की उसमें अनुमति लेनी है, लेकिन वास्तविक कार्य कौन कर रहा है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वास्तविक रूप से वो किसके पास है, वो है प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद का मुखिया है। तो आप यहाँ पे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया ही क्या है, प्रधानमंत्री है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से है प्रधानमंत्री के पास, जबकि औपचारिक रूप से है राष्ट्रपति के पास। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। अब देखो क्यों है अनुच्छेद 54 महत्वपूर्ण, इसको समझो आप। अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो बताया गया है, निर्वाचक मंडल के बारे में जो बताया गया है, वो बताया गया है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग किस प्रकार से चुनाव करता है, तो सबसे पहले निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं ये आपको समझना है। चुनाव करा रहा है निर्वाचन आयोग, लेकिन राष्ट्रपति को वोट कौन डालेंगे, निर्वाचन मंडल है जो वो कौन कौन है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो इसमें आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ साथ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक तो यहाँ पे आपने
यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा के सदस्य, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि लोकसभा चाहे या राज्यसभा या वो आपकी विधानसभा हो, उसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनीत। और ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो जो सदस्य राष्ट्रपति ने स्वयं मनोनीत कर रखे हैं, स्वयं उनको क्या बना रखा है, सांसद बना रखा है, विधायक उनको मनोनीत कर रखा है, तो वो वोट किसको देंगे, उसी राष्ट्रपति को देंगे जिसने उन्हें मनोनीत कर रखा है, मोस्टली चांस ऐसे हैं। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि जिन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, केवल उन्हीं सदस्यों को शामिल किया गया है जो जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं, क्योंकि निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन तो वैसे जनता को करना चाहिए, लेकिन जनता यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं कर रही है, बल्कि औपचारिक रूप अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो निर्वाचन हो रहा है वो भी तो जनता के ही द्वारा हो रहा है। जैसे कि अगर हम संसद का चुनाव देखें, विधायक का चुनाव देखें, तो वहां पे तो डायरेक्ट जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है पर्टिकुलर व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए विधायक या वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो वोट डाल रहे हैं, तो जनता एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। दूसरा यहाँ पे क्या है कि राज्यों के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद। अब विधान परिषद के सदस्य क्योंकि राज्यों में तो होते हैं ना, विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, तो विधान परिषद के सदस्यों को क्यों शामिल इसमें नहीं किया गया? तो आपको बता दें दोस्तों कि विधान जो परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है। अभी इसके बारे में आगे हम जब आपको राज्यों के बारे में बताएंगे, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बताएंगे, तो वहां पे आपको और डिटेल से समझ में आएगा। तो विधान परिषद एक्चुअली क्या है, वो सभी राज्यों में नहीं है। विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। और अगर सभी राज्यों में ये नहीं है तो इसलिए यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर ये अन्य राज्यों के साथ क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। तो यहां तक दोस्तों आप समझ गए कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ साथ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है, उसके भी निर्वाचित सदस्य, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है, और साथ ही साथ पांडिचेरी पुदुचेरी में भी क्या है, विधानसभा है। तो दिल्ली या पांडिचेरी क्या जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अब जो पहले मनोनीत सदस्य जो होते थे लोकसभा में, तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, जबकि दो सदस्य सॉरी राज्यसभा में, ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते थे, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है मनोनीत वाला, और विधानसभाओं में भी राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वो प्रावधान अब हट चुका है, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि समझ आपको आ गया होगा। अब देखो, अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। आपने देख लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, निर्वाचन मंडल कर निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराएगा तो फिर वो किस किस से मतदान करवाएगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये मैंने आपको इस सारणी के माध्यम से समझा दिया, ये टेबल जो यहाँ पे दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रक्रिया क्या है, तो उसका उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखो अनुच्छेद 54 में क्या था, अनुच्छेद 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराएगा और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, और जबकि अनुच्छेद 55 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद लिया गया है इंग्लैंड से, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है
उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। और राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। क्या होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, इसको इस सारणी से आप इस टेबल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। इसमें क्या होता है कि जितने लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं सभी को रैंक वाइज वोट देना होता है मतदाताओं को। अब यहाँ पे जैसे माना सपोज ये उम्मीदवार हैं ए बी सी, तीन उम्मीदवार हैं हमारे पास राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के लिए हमारे पास राष्ट्रपति के तीन उम्मीदवार हैं ए बी और सी। अब मतदाता जो सदस्य ए है उसने क्या किया, ये मतदाता सदस्य हैं ए बी सी डी ई, पांच हमारे पास क्या है मतदाता सदस्य हैं और तीन हमारे पास क्या है उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के। अब देखो इनमें कौन जीतता है, किस प्रकार वोटें डालेंगे। तो इसमें क्या होता है मतदाता सदस्य ए क्या कर रहा है, रैंक वाइज यहाँ पे वोट डालनी पड़ती है कि तुम किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हो, उसको बनाना चाहते हो। तो मतदाता सदस्य ए ने कहा कि मैं बी को प्रथम रैंक दूंगा, तो एक रैंक इसने बी को दी प्रथम रैंक, दूसरी रैंक इसने दी ए को और तीसरी रैंक इसने दी सी को। वहीं मतदाता सदस्य बी ने पहली रैंक ए को दी, दूसरी रैंक बी को दी और तीसरी रैंक सी को दी। फिर सी ने क्या किया, पहली रैंक दी सी को, दूसरी रैंक बी को दी और तीसरी रैंक दी ए को। मतदाता सदस्य डी ने क्या किया, पहली रैंक ए को दी, तीसरी रैंक दी बी को और दूसरी रैंक दी सी को। और ई ने क्या किया, पहली रैंक ए को दी, दूसरी रैंक दी बी को और सी को दी तीसरी रैंक। अब यहाँ पे देखो जिसको सबसे ज्यादा रैंक ए होगी पहले, तो रैंक ए किसके ज्यादा, एक दो और तीन, तो तीन यहाँ पे रैंक ए, यानी तीन लोग जिनकी प्रथम च्वाइस है, प्रथम वरीयता वो दे रहे हैं ए को, प्रथम च्वाइस जो प्रथम रैंक उन्होंने दी है वो ए को दी है तीन लोगों ने, ठीक है। बी को केवल एक लोग ने, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक रैंक दी, और सी को भी केवल एक व्यक्ति ने एक रैंक दी। अब देखो तीन लोग चाह रहे हैं प्रथम वरीयता, जो तीन लोग दे रहे हैं वो ए को दे रहे हैं, एक व्यक्ति बी को दे रहा है, एक व्यक्ति सी को दे रहा है, यानी विजेता कौन है, तो विजेता है ए, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, ए बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रणाली आपको समझ में आ गई, जिसमें प्रत्येक जो उम्मीदवार है उसको वोट दी जाती है लेकिन रैंक वाइज। लेकिन जबकि जो आम चुनाव होते हैं, जैसे हम आपने देखोगा ईवीएम के द्वारा, ईवीएम के द्वारा जो चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा के सदस्यों के चुनाव आपने देखोगे, विधानसभाओं के सदस्य जो विधायक होते हैं उनके चुनाव आपने देखोगे, उसमें आप क्या करते हैं जैसे ए और बी सदस्य हैं, इनको आपने क्या करना है वोट डालनी है, तो आपने आप केवल ए को ही वोट डालोगे, आपने ए को वोट डाला, ठीक है, आप एक व्यक्ति को आपने वोट डाल दिया, तो ए को आप वोट डालोगे तो बी को आप वोट डालोगे, उसमें आप ऐसा उसमें नहीं है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ एक व्यक्ति को वोट डालना होता है, जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति के जो चुनाव के उम्मीदवार होते हैं उसमें सभी को वोट डालना होता है लेकिन रैंक वाइज, और जिसके रैंक ज्यादा होगी फिर वही विजेता होगा। और ये जो प्रणाली ये ली गई है निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, ये ली गई है आयरलैंड से। अब यहाँ पे वोट कौन कौन डालते हैं, MLA जो कि क्या होते हैं संसद होते हैं, और विधायक, MLA ये विधायक होते हैं, ठीक है, विधायक और साथ साथ जो MP होते हैं यानी जो संसद होते हैं ये वोट डालते हैं। तो जो विधायक की वोट की कीमत होती है वो होती है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि देखो जो MLA होता है, MLA यानी विधायक, इसके वोट की कीमत कितनी होती है, तो इसकी जो वोट होती है वो होती है राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य विधानसभा निर्वाचित, यहां पे मनोनीत नहीं होगा, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, और इसको मल्टीपल करना है 1/1000 से।
तो ये इसकी वोट की क्या होती है, कीमत होती है, ये इसकी वोट की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये क्या है, वोट वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे देखी जाए ना राज्य की, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें शामिल है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि जो एमपी होता है, एमपी यानी जो संसद होता है, उसकी वोट वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है देश के कुल एमएलए यानी विधायकों के मतों का योग, देश के कुल एमएलए यानी विधायक के मतों का योग अपॉन, ये हो जाएगा कुल निर्वाचित संसद। तो कुल जो संसद है लेकिन कैसे निर्वाचित, क्योंकि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, और संसद में यहाँ पे दोनों आ गए, ठीक है, राज्यसभा की भी और लोकसभा की। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये एमपी यानी संसद की वोट की वैल्यू है और एमएलए की वोट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। तो वैसे अगर आप जानकारी के लिए इसको समझना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे ये भी समझा दिया है। तो अनुच्छेद 55 भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 56? अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो पदावधि है राष्ट्रपति के, वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष से पहले उसका पद खाली नहीं हो सकता है। तो 5 वर्ष से पहले पद खाली होने की जो संभावना है वो 3 संभावना है। 5 वर्ष से पहले पद खाली होने की जो संभावना है वो 3 प्रकार से होती है। या तो पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए, दूसरा है उसने त्याग दे दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, और तीसरा हो यदि उस पर महाभियोग चला दिया गया हो, महाभियोग। तो ये 3 यहां पे क्या है, 3 यहां पे प्रकार हैं जिससे राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 वर्ष से पहले खाली हो सकता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो पद पदावधि है, वो 5 वर्ष के लिए है। लेकिन ये 3, या तो पद पर जो बैठा भाई उसकी मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, या उस पर महाभियोग चलाया जाए, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। त्याग पत्र के बारे में अनुच्छेद 56 में ही देखने को मिलता है, उल्लेखित है, ठीक है। त्याग पत्र जो राष्ट्रपति देगा वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो जो अनुच्छेद 56 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो किसको संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो यहां तक दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले, अगर क्योंकि 5 वर्ष से पहले ही त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ने 5 वर्ष से पहले अपना त्याग पत्र दे दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, 6 मंथ में क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ के अंतर्गत निर्वाचन करना पड़ेगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 मंथ के, 6 मंथ से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, 6 मंथ से अधिक वो खाली नहीं रह सकता। और जैसे अगर कोई किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है, तो 6 मंथ से पहले ही, वैसे मतलब जब तक उसका कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, वैसे चुनाव कराए दिए जाते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाता है, लेकिन नहीं तो उसको तब तक, जब तक कोई जो राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति वो बनकर नहीं आया, तब तक वो पद पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति का पद जैसे खाली नहीं रहता है, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति का जो पद है वो केवल 6 मंथ तक खाली रह सकता है, 6 मंथ से अधिक वो खाली नहीं रह सकता, 6 मंथ के अंतर्गत चुनाव कराने ही पड़ते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, अगर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो बिल्कुल, भारत में अगर राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो बन सकता है दोबारा, क्या वो कितनी बार भी यहाँ पे राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है कि इतनी बार बनेगा।
राष्ट्रपति कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार भी बन सकता है। प्रोसेस सेम वही होगी दोबारा, ऐसा नहीं कि उसको दोबारा बनाना है तो सीधे बिठा दो, पूरी प्रोसेस वही होगी राष्ट्रपति की, फिर चुनाव होगा, ठीक है। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि क्या बने, दो बार राष्ट्रपति बने, ये कितनी बार राष्ट्रपति रहे, ये रहे दो बार। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 57 में। और कितनी बार भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वही प्रोसेस में दोबारा होगी। और भारत में एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, ये दो बार भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद अनुच्छेद 58 में क्या उल्लेख है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता और अर्हता के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण वो कर चुका हो, और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यता है वो योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखो लाभ का पद, यहाँ पे आप लाभ के पद से क्या समझते हो, यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है। राष्ट्रपति हो कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, या कोई व्यक्ति क्या है राज्यपाल है, या कोई व्यक्ति संघ अथवा राज्यों के मंत्री हैं, मंत्री के पद पर हैं, ठीक है, तो ये लाभ के पद नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति वाला तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, इसका मतलब वो लाभ के पद पर नहीं है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल संघ या राज्यों के मंत्री के जो पद पर कोई व्यक्ति है तो उसको लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। यानी इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है अभी तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल है वो अभी तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति तो खैर दोबारा पुनर्निर्वाचन उसका किया जा सकता है और वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और संघीय राज्यों के जो मंत्री हैं वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये पद क्या है, लाभ के पद नहीं है। अब लाभ के पद क्या है, जैसे कोई अन्य जैसे गवर्नमेंट जो भी एक लाभ का पद हो गया, जो गवर्नमेंट के अन्य क्या होते हैं निकाय होते हैं वो सारे क्या हैं, लाभ के पद हैं। सरकारी नौकरियां वो भी एक लाभ का पद है। तो समझ में आ गया आपको कि लाभ का पद क्या होता है। और एक बात आप यहाँ पे और नोट कर सकते हैं कि केवल वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों लोकसभा में या राज्यसभा में। 50 प्रस्तावक यानी 50 व्यक्तियों को प्रस्ताव देना पड़ेगा कि हाँ हम इसको क्या है राष्ट्रपति का के लिए हमारे उम्मीदवार हैं, और 50 जो ये बोले कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, जो इन्होंने प्रस्ताव लाया है ये ठीक है, हम इसका अनुमोदन करते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 1997 से पहले इनकी संख्या 10 होती थी, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए थे, लेकिन अब इनके क्या है 1997 के बाद 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जो दशाएं हैं जो शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, तो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और संसद व विधानमंडल का सदस्य ना हो, तो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और लाभ पद पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर मंत्री है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है तो वो क्या है लाभ का पद नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति को 5,00,000 अभी क्या मिलता है वर्तमान में वेतन दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अनुच्छेद 60, 61 और 62 की। अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब उस समय उपस्थित ना हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या है अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जो न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश, ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी राष्ट्रपति जी को शपथ दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख मिलता है,
और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दे सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है, अपने पद से राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। इसके कारण क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, उसके भी कारण है। अगर राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया हो उसका कहीं ना कहीं राष्ट्र को क्या होगा, नुकसान होगा, और अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो तो इस कारणों से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के माध्यम से। और ये जो महाभियोग है इसका स्रोत क्या है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो संविधान में उल्लेखित है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हटाने का अधिकार किसको है, तो वो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब यहां पे देखो, यहां पे महत्वपूर्ण है हटाने का अधिकार। निर्वाचन करने का अधिकार केवल किनको था, जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और साथ ही साथ राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन हटाने का अधिकार किसका है, लोकसभा एंड राज्यसभा के सभी सदस्यों को, चाहे वो निर्वाचित है या वो मनोनीत है। तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं जो कि निर्वाचन मंडल में नहीं थे, और साथ ही साथ यहाँ पे विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के जो सदस्य थे वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो महाभियोग राज्यों के विधायक यानी विधानसभाओं के सदस्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य जो कि महाभियोग में शामिल नहीं हो सकते हैं, हटाने का अधिकार उनको नहीं है। महाभियोग में जो शामिल होंगे, जब महाभियोग का अधिकार महाभियोग लाया जाएगा तो उस पर जो मत देंगे, तो मत देने का अधिकार किसको यानी हटाने का अधिकार किसको है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को। उसमें निर्वाचित सदस्य भी आ जाते हैं और उसमें आ जाते हैं आपके मनोनीत सदस्य भी आ जाते हैं, यानी टोटल सदस्य। ठीक है, प्रोसेस क्या है, अब प्रोसेस समझो आप यहाँ पे। प्रोसेस इसमें जो प्रोसेस है वो है संसद के किसी भी सदन में, अब ऐसा नहीं केवल लोकसभा में लाया जाएगा या आपका राज्यसभा में लाया जाए, तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में वो महाभियोग लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 अर्थात 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस सदन में लाया जा रहा है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, लाया जाए उसके, अभी आप पूरा समझो इसको, ठीक है, उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें चाहिए। अब जब अगर इन सदस्यों ने हस्ताक्षर दे दिए हैं और साथ ही साथ 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए, ये अभी लाने की बात हो रही है, ठीक है, ये अभी लाने की बात हो रही है, ये अभी मतदान नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये है लाने की बात। अगर महाभियोग लाना है, मानक लोकसभा में लाया जा रहा है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा, और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 1/4 यानी 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा। अब सपोज राष्ट्रपति पर महाभियोग ला दिया गया है तो उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए, क्योंकि उसको भी अपने पक्ष में, राष्ट्रपति को भी अपने पक्ष में कुछ ना कुछ तो कहने का अधिकार तो है ही, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाती है। अब ये तो प्रोसेस ही लाने की, अब पारित कैसे होगा, तो पारित का आप यहां पे समझो, जो ये महाभियोग अगर लाया गया है 1/4 यानी 1/4 सदस्यों ने ला दिया है तो पारित कैसे होगा, तो महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 मत से पारित किया जाता है, यानी 66% बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और अगर मतलब एक सदन में, ठीक है, जैसे लोकसभा में लाया गया है 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर लिया और महाभियोग ला दिया है, फिर लोकसभा के 2/3 सदस्यों का मत इसको मिलना चाहिए, और अगर लोकसभा में ये पारित हो गया फिर ये दूसरे सदन में जाएगा यानी राज्यसभा में जाएगा, और वहां भी
2/3 यानी 2/3 बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक है। लेकिन जब दूसरे सदन में जाएगा उस सदन को अब क्या कहा जाएगा, जांच सदन कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना दी जा चुकी है और सपोज लोकसभा में लाया गया है और लोकसभा में वो पारित हो चुका है 2/3 बहुमत से, फिर जब वो राज्यसभा में जाएगी तो अभी राज्यसभा क्या है, जांच सदन है। राष्ट्रपति वहां पर अपना पक्ष रखेगा, फिर वहां पर मतदान होगा। अगर वहां पर भी ये 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, तो महाभियोग समझो पारित हो गया और राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाएगा। तो आप दो चीज यहाँ पे, ठीक है, प्रस्ताव लाने के लिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए जिस भी सदन में ये लाया जा रहा है, जबकि इसको पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों सदनों में इसको पारित करना आवश्यक है। तो ये रही दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की बात, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 62, इसमें है राष्ट्रपति पद के रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय। तो जैसे अगर कोई राष्ट्रपति का मतलब जो पद है 5 साल उसके पूरे होने वाले हैं, तो फिर उससे पहले यहाँ पर निर्वाचन करा लिया जाएगा। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, ज्यादा 6 माह तक, ठीक है, या आकस्मिक रिक्ति हो गई है तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन कराना होगा। तो ये है अनुच्छेद 62 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर अब 62 तक कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दी है। और अब जो राष्ट्रपति के बारे में जो टॉपिक बच गया है वो बचा है उस राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां क्या है राष्ट्रपति के पास, वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।